हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज ई एफ कराऊंगी। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले पेज नंबर 23 ओपन करेंगे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स के नाम से रेड कलर की स्केच से ये लिखा हुआ है, यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी, एक्सरसाइज 1F। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि जो रोमन न्यूमरल्स ये जो है सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमारी जो डिजिट होती है उनको सिंबल्स में नेम सिंबल्स दिए गए थे डिजिट से, इसमें न्यूमरल से डिजिट दी गई थी रोमन में। ठीक है, तो जो रोमन नाम का ही व्यक्ति था उसने ही आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसमें आपने क्लास थर्ड में भी पढ़े होंगे लाइक कि 1 को हम आई बोलते हैं, 2 को डबल आई, 3 को ऐसे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें दो तरीके होते हैं रोमन नंबर को करने के। एक तो तरीका ये होता है कि आप रट्टाफिकेशन करें कि 1 to 50 आपको लिखवा दिए जाए कि भाई ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इस तरह से, और आपको वो लर्न करना होगा। ठीक है, बट सेकेंड वे इसका ये है कि आप इसको समझें अकॉर्डिंग टू रूल। अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल इसको समझ के करेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा चैप्टर को, जो आपके रोमन न्यूमरल्स की जो एक्सरसाइज है ये आपको बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे आप 7 सिंबल लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें लिखा है आई को 1 कहते हैं, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को एम और एम को 1000। ठीक है, डी को कहते हैं 500। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बस आपको ये 7 बेसिक सिंबल जो है आपके ये याद होने चाहिए, 7 सिंबल याद होने चाहिए। अगर आपको ये 7 सिंबल याद है तो आप चाहे कितनी बड़ी डिजिट हो चाहे कितनी छोटी डिजिट हो, आप उसको आसानी से उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें आपको दो तरह के रूल होते हैं, एक एडिशन को होता है, एक सब्ट्रैक्शन को होता है। एडिशन आपका सभी डिजिट में लगता है सिवाय बस दो डिजिट को छोड़ के, कौन सी में, एक तो 4 को और एक 9 के लिए। 4 और 9 के लिए हमेशा माइनस यूज़ होगा, जहाँ भी आ जाएगा 4 हो चाहे वो 14 हो, ठीक है, चाहे 9 से 19 हो, चाहे 24 हो या 34 हो या 40 हो या 44, मतलब कि लाइक किस तरह से, इसी तरह से 19 के लिए भी, या 29 हो, 39 हो या फिर 90 हो, इस तरह की कोई भी डिजिट अगर आएंगी वहाँ माइनस वाला रूल चलेगा, सब्ट्रैक्ट वाला, और इसके अदर जो जितनी भी डिजिट होंगी उन सभी में क्या चलेगा, प्लस वाला रूल चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्लस वाला के लिए। तो प्लस वाले में आपको क्या करना है, लाइक आपका 1 ही दिया जाए अगर आपको, ठीक है, 1 के लिए यहाँ पे सिंबल लिखा है, आप उसके लिए क्या लिख देंगे, आई। अब आपको इसके आने वाली जितनी भी डिजिट होंगी आपको इस तरह से यूज़ करना है कि वो डिजिट आपको इसके अंदर मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके बाद 1 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, 2 आता है। ठीक है, तो 2 को क्या करेंगे, 1+1 लिखेंगे। क्यों लिखा है, क्योंकि 2 का इस जो 7 सिंबल आप देख रहे हो उसके नीचे लिखा है, इसको आप लर्न कर लेना, क्योंकि जब लर्न कर लोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि किसका 7 सिंबल में रोमन लिखा है, सिंबल है या नहीं है इस तरह से। तो 2 का सिंबल नहीं है, ठीक है, तो उसको हमने क्या करा, 1+1 करके लिख दिया। ओके, तो ये हो गया डबल आई। अब क्यों लिखा मैं ये बता देती हूँ, पहले सबसे पहले हमेशा याद रख के चलना इस चीज़ के लिए, मैं आपको बता देती हूँ, शायद इसमें नोट भी डाला हो, यहाँ पे नहीं है, बट मैं आपको लिखवा देती हूँ कि आपका जो सिंबल होते हैं आई एक्स और सी और एम, ये आपके रिपीट होते हैं, हमेशा याद रखना आई, एक मिनट मैं मार्क कर देती हूँ दोबारा से, ध्यान दीजिएगा, आई एक्स सी और एम, ये 4 सिंबल तो आपके रिपीट होते हैं, आई एक्स सी और एम, ये तो हमेशा रिपीट होंगे, रिपीट केवल 3 बार होंगे, इस चीज़ को आपको याद रखना है, 3 बार रिपीट होंगे। इसके बदल जो बचते हैं आपके वी, एल और डी, ये आपके रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपके रिपीट होते हैं बट कितने होते हैं, 3 टाइम्स रिपीट होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। वी और एल डी आपके केवल एक बार लिखा जाता है, उसके बाद नहीं लिखा जाता, ना ही ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको 1 के लिए बताया कि भाई चलो आई आ गया, 2 के लिए मैंने आपको बताया 1+1 आ गया, तो ये हो गया डबल आई। ठीक है, अब मैंने आपको इसलिए बताया 1+1 क्योंकि ये 7 सिंबल में नहीं है 2 के लिए, तो इसलिए हमने इसको 1+1 लिख दिया, क्योंकि 1 का सिंबल वहाँ पे है। ठीक है, इसलिए
अब थ्री के लिए क्या करेंगे, फिर से वही कर देंगे, वन प्लस वन प्लस वन, तो कितनी बार आ गया, थ्री, सॉरी यहाँ पे थ्री बार क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा, ठीक है। अब फोर के लिए ले लेते हैं, फोर के लिए क्या हो जाएगा आपका, मैंने आपको बताया था माइनस वाला रूल चलेगा, तो ये हो जाएगा फाइव माइनस के वन, तो जो छोटा नंबर है उसके लिए पहले सिंबल लिखेंगे और जो बड़ा वाला है उसको लास्ट में लिखेंगे, तो ये हो गया आई वी, ठीक है। फाइव का आप डायरेक्ट लिख देंगे वी, क्योंकि इसका सिंबल सेवन सिंबल में लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से सिक्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, फाइव प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि अब आप ये सोचेंगे मैम ने फोर के लिए क्यों नहीं लिखा वन प्लस वन प्लस, तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम थ्री से ज़्यादा बार उसको प्लस नहीं कर सकते किसी भी सिंबल के लिए। तो थ्री के जो फोर है, फोर के लिए अगर मैं वन प्लस वन लिख देती तो उसके लिए फिर मुझे चार बार आई लिखना होता, और जबकि हम किसी जो आई एक्स और जो सी और एम है हमारा उसको मैं तीन से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसलिए चार के लिए चार बार प्लस फोर वन करके नहीं लिखा है। इसके लिए मैंने वैसे भी पहले ही आपको बता दिया था कि फोर और नाइन के लिए माइनस वाला रूल लगेगा, तो मैंने कोई टू ऐसे नंबर लिए इन सेवन सिंबल में से ही। देखिए दोबारा से यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सेवन सिंबल, इनमें से ही मैंने क्या किया है यहाँ पर, इनमें से ही मैंने टू ऐसे सिंबल लिए जो मैं अगर घटाऊँ मैं उन्हें उनको घटाऊँ तो मुझे फोर मिले, ठीक है। तो मैं मुझे कौन से मिले, वे दो, वे मिले मुझे फाइव और वन, ठीक है। तो मैंने फाइव में से वन को माइनस किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे फोर मिला, ठीक है। तो अगर मैं घटाती हूँ तो हमेशा याद रखना, ऐसे घटाने पर क्या करना है आपको, जो छोटे वाला है नंबर है उसको पहले लिखेंगे, जो बड़े वाला है उसको बाद में लिखेंगे, यानी कि जो स्मॉलर सिंबल होगा वो लेफ्ट साइड आएगा बड़े वाले की, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना चलना। ऐसे ही फिर सिक्स के बाद सेवन एट नाइन उसके लिए देख लेते हैं एक बार। सिक्स के लिए मैंने आपको बताया फाइव प्लस के वन, तो क्या हो गया आपका वी आई। अगर हम सेवन की बात करें तो फाइव प्लस वन इजिकल्स टू कितना हो गया वी आई आई। अब एट के लिए भी ऐसे हो जाएगा फाइव प्लस वन प्लस वन, ठीक है। तो कितना हो गया, एट हो गया, ओके। उसके बाद नाइन के लिए तो माइनस वाला रूल लगेगा, तो टेन माइनस के वन हो गया, तो आई एक्स आ गया। और टेन को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एक्स, क्योंकि ये सेवन बेसिक सिंबल में आपका यहाँ पर गिवन है, ठीक है। जो डायरेक्ट उनको हम लिख सकते हैं जो डायरेक्ट उन्होंने गिविन दिए हैं, गिविन कौन कौन से आपके सेवन सिंबल है, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। अब उसके बाद आपकी आगे की कंटिन्यू करना है आपको ऐसे ही, अगर आपका इलेवन है तो टेन प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स आई। अगर ट्वेल्व है तो ये हो जाएगा टेन प्लस वन प्लस वन। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको टू नहीं करना है इसको, यहाँ पे वन प्लस वन करके ही लिखना है, ताकि आपको याद रहे कि मुझे दो बार आई लग लिखना है, ठीक है। अगर आप टेन प्लस टू करके लिखोगे, अगर आप ट्वेल्व को टेन प्लस टू करके लिखोगे तो जो सॉरी जो आपका टू है वो आपको सेवन बेसिक सिंबल में नहीं लिखे मिलेगा, तो इसको आप क्या करेंगे, वन प्लस वन करेंगे, तभी आपको ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से आपको उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। बस प्लस और जो आपका एडिशन है और जो आपका सब्ट्रैक्शन है, बस उनका ध्यान रखना है, दो रूल है आपके। स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ के अकॉर्डिंग अभी आपको कुछ ही छोटे ही नंबर मिलेंगे, तो अभी आप इसको पक्का कर लीजिए, जो ये माइनस वाले रूल है और जो एडिशन वाले रूल है। अगर आपने ये अच्छे से तैयार कर लिए तो फिर आपको जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आपको डायरेक्ट लिख के दिखा देते हैं कि भाई 1 to 50 ये आपके रोमन नंबर हैं, तो आप इनको कर लीजिए, ठीक है। एक तो आपका ये पैटर्न होता है, या फिर अभी जो मैंने आपको अभी आपको रूल सिखाया है, अभी जो मैंने आपका एक्सप्लेन किया है, अगर आप उससे करोगे तो आप चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो वो आप सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक सोल्व करके दिखाती हूँ। सपोज करो आपके पास कोई डिजिट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं थ्री, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, सबसे पहले हमेशा याद रखना, डिजिट को लिखने से पहले उसको हमेशा एक्सपेंडेड करना। एक्सपेंडेड करने से आपको क्या होगा, बहुत ही इजी हो जाता है। तो 3654 है, तो इसको एक्सपेंडेड कैसे करेंगे, ये हो गया आपका 3000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4, ठीक है। तो 3000 का तो सेवन सिंबल में नहीं है, तो इसलिए 3000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ओके। उसके बाद अब हमारा किसका नंबर आया, 600 का, तो 600 को हम कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस क्या लिखेंगे, 100, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3000 तो हमें वहाँ डायरेक्ट नहीं है, तो 3000 को हम इस तरह से तोड़ेंगे
जो हमारे सेवन सिंबल में मिल जाए, तो 3000 को मैं 3 बार 1000 1000 करके लिख देती हूँ तो मुझे एम मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरह 600 को जैसे मैं 6 को लिखती हूँ, 6 को क्या लिखती हूँ, 5 + 1 लिखती हूँ, तो इसलिए मैंने क्या करा, मुझे 600 लिखना है तो इतनी जीरोस के आगे इंक्लूड कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो हो गया 500 + 100। उसके बाद अब आया आपका 50, तो 50 तो मैं एज इट इज़ लिख सकती हूँ क्योंकि 50 का तो सिंबल मेरे पास है एम। अब आया 4 को क्या लिखूंगी, 5 - 1। क्यों लिखा, क्योंकि 4 का मैंने सिंबल आपको अभी पढ़ाया था उसके बारे में, क्योंकि उसमें 4 और 9 में माइनस वाला रूल लगता है, इसलिए अब हम इसको लिखेंगे किसमें, रोमन नंबर में। तो 3 बार मैंने 1000 लिखा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एम एम। 500 एक बार है तो डी, 100 एक बार है तो सी, 50 है तो L, और 5 - 1 के लिए क्या लिखेंगे, पहले छोटे वाला फिर बड़े वाला, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो है हमारी 1F है, इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो संख्याएं इधर दी हैं आपको उनको इनसे मैच करना है। तो जैसे आपको मैं हर क्वेश्चन से एक पार्ट कराऊंगी, जैसे लास्ट टाइम कराया था, जैसे 9 है तो 9 को आपको ढूंढना है कहाँ, इधर, तो 9 कहाँ है आपका, ये रहा IX, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट करने हैं इसके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, हिंदू अरेबिक का मतलब होता है जब आपको सिंबल दिया जाता है, रोमन नंबर आपको गिविन होता है और आपको डिजिट में लिखना है, डिजिट में लिखने को ही हिंदू अरेबिक बोलते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये वाली एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है, ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम चल, मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि आपका ये ही है पहले वाला ए, इसे कैसे करेंगे आप, एक्स 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 ये है, तो आपको कैसे पता चलेगा इसको 39 कैसे लिखना है आपको, तो जब आपका बड़ा नंबर के बराबर में बड़ा ही आपका रोमन नंबर हो, जैसे कि एक्स के लेफ्ट में तो इधर कुछ नहीं है, लेफ्ट के राइट में, एक्स के राइट में देखेंगे तो एक्स ही है, तो यानी कि अभी आपका ये क्या है 10, और ये फिर से 10x है तो फिर 10 हो गया। अब लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे 10 के बाद में इधर छोटा है, तो इसके आगे आप इसको काउंट नहीं करेंगे, बस 10 तक यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो ये छोटा आ गया, और लास्ट वाला जो रोल नंबर है आपका, रोमन नंबर है, उसके बराबर में पहले छोटा आ गया, तो छोटा आने का मतलब क्या हो गया आपका, कि ये माइनस वाला रूल है, तो माइनस यानी कि 10 में से 1 जा रहा है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10 - 1, ठीक है, तो ये आपका बन गया टोटल जोड़ के इसको 39 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप अभी आप सीख रहे हो भाई, सीखने में टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में ले, ठीक है, जब लोगे तभी तो आपको पता चलेगा। इसी तरह से फिर आपका ये वाला देखिए, ई वाला, ये क्या लिखा है, एक्स एक्स आई लिखा है, तो इस एक्स का मतलब हो गया 10, फिर दूसरे वाले एक्स का मतलब भी 10 हो गया। क्यों लिखा मैंने इसको 10, अब इस बार मैंने इसको माइनस करके क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस बार एक्स के बराबर में, सॉरी एक्स के लेफ्ट साइड में आई नहीं है, इस बार एक्स के राइट में, अगर राइट में 1 आई लिखा है तो वो 11 होता है, और अगर 10 के लेफ्ट साइड में आई होता है तो वो 10 - 1 यानी कि वो 9 के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है आपका, छोटा सिंबल होता है किसी भी डिजिट के लिए, तो वो उसकी लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है ना कि राइट साइड पे, इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, तो ये टोटल कितना बन गया आपका 21, ठीक है। इस तरह से आपको बाकी के पार्ट करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें कहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर रोंग, तो जो रोंग है उस पर रोंग का निशान लगाएंगे, जो सही है उसको राइट का लगाएंगे। तो जैसे आप देख लीजिए फर्स्ट वाला, इसका इसमें लिखा है वी वी, तो वी वी कभी रिपीट होता ही नहीं है, वी को तो मैंने मना किया था कि वी रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दिया, अगर 1 टाइम ऐसे लिखा था तो राइट होता, और ये 2 टाइम्स आ गया तो इसलिए क्या हो गया आपका, यहाँ पर रोंग हो गया, ठीक है। तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक में आपको साइन फिल करना है ग्रेटर और स्मॉल का, ठीक है, जो डिजिट बड़ी है उसको, उसकी तरफ निशान ओपन करना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में एक तरफ लिखा है आई वी, आई वी का मतलब क्या होता है, ये आपकी जो वी है आपका बड़ी डिजिट है, और ये वी किसके लिए साइन होता है, ये 5 के लिए होता है, और आई किसको होता है, 1 को होता है, तो 5 के लेफ्ट साइड में 1 आई है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ माइनस वाला रूल है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है 5 - 1, तो इसका मतलब ये 4 है इधर, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है 10 है, क्योंकि एक्स है सिंगल, तो 4 बड़ा है या फिर 10, तो आपको देखना है वो और निशान लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट सेल्फ करना,
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव में। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग एंड राइट द आंसर इन द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यानी कि आपको जो सिंबल दिए हैं, जैसे कि ये लिखा है वी वी प्लस वी, तो इस वी का मतलब क्या होता है, फाइव होता है, इस वी का भी क्या हो गया, फाइव हो गया, तो टाइम फाइव फाइव क्या हो गया, टेन हो गया। तो आपको इसको क्या करना है, हिंदू अरेबिक यानी कि डिजिट में लिखना है। ओके, इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट करने, एक पार्ट और करा देती हूँ मैं, लाइक आप इसका देख लीजिए। चलिए लास्ट वाला करा देती हूँ, एच वाला। एच वाले में तीन बार एक्स है, यानी कि टेन प्लस टेन प्लस टेन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर प्लस का निशान है और लास्ट में फिर से दो बार एक्स है, तो इसको भी टेन प्लस टेन लिखेंगे। तो दो बार तो ये होगा कितना, ट्वेंटी, और ये तीन बार है, ये कितना हो गया, थर्टी। तो थर्टी में ट्वेंटी ऐड करेंगे, कितना हो गया, फिफ्टी हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है इस चैप्टर की, एंड आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि मैंने आपको चैप्टर वन जो इसे प्रीवियस वाली जो एक्सरसाइजेज की वीडियो सेंड की है, आई होप कि आपने वहाँ से वो अच्छे से देखी हो, समझी हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स आप आके स्कूल में पूछ सकते हैं। और आपको ये जो मैंने एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा से देखें। जो आपका एडिशन वाला रूल है उसको अप्लाई करें अच्छे से, जो माइनस वाला रूल है उसको भी अच्छे से अप्लाई करें, क्योंकि ये टू रूल ही आपको क्वेश्चन कराने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर आपको रेटिफिकेशन से करना है तो आपको वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप ये माइनस वाला, ये जो रूल मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया है सेवन सिंबल से, बस सेवन सिंबल अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको कोई भी बड़ा नंबर दिया जाएगा तो आप इजीली उसको क्या कर लेंगे, उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी आप अकॉर्डिंग टू क्लास आपको छोटी छोटी डिजिट को ही कन्वर्ट करना सीखना है, ताकि आपको बड़ी क्लास में जाके फिर बड़ी से बड़ी डिजिट को भी कन्वर्ट करना आ जाए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।